उज्जैन में मजहब के नाम पर बुजुर्ग को धमकाने का एक और मामला सामने आया है। मामले से जुड़ा वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग बुजुर्ग को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला उज्जैन से 70 किलोमीटर दूर सेकली गांव का बताया जा रहा है। यहां कबाड़ का काम करने वाला मुस्लिम शख्स गांव में पहुंचता है, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और गांव में नहीं आने की धमकी दी। लोगों ने उससे जय श्री राम के नारे भी लगवाए। अरे आगे वाले हो गए तो गाँव में तुम चाचा हो तुम अगर हिंदू को नहीं चाहते हो अरे मेरा भैया तुम जानते हैं अरे नहीं जाते गाड़ी लेने में वादी में जा रहा ये डायरेक्ट पिपलिया 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 गाँव में कैसे गाँव में हमारे गाँव में से कमा के कैसे ले जाते मकला का जिसने पीजा रहा था मुसलमान राम राम जय श्री राम बोलने में क्या जय श्री राम जय श्री राम बोलने में बोल दे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोल जय श्री राम बोलने में क्या बोलना पड़ेगा तुमने हमारे गांव में किसको पूजा तक नहीं तुमने गांव में कुछ नहीं बोल जय श्री राम जय श्री राम बोल जय श्री राम जय श्री राम मेरी बात सुन जय श्री राम मेरी बात सुन हिंदू संगठन बोल जय श्री राम बोल जय श्री राम जय श्री राम बोलने में क्या है बोलना नहीं बोले चलो जय श्री राम 11:30 बजे का वाक्य है। महितपुर केसरपुरा निवासी हैं अब्दुल रशीद, वो कबाड़ का धंधा करते हैं, बेचना खरीदने का काम करते हैं गांव में घूम करके। तो आज वो सेकली गांव है झाड़ा थाने का, वहाँ एक फोर व्हील गाड़ी छोटी सी लेकर के और साथी उसके ड्राइवर के साथ में गए थे और गांव में कबाड़ा खरीदने बेचने का काम करते हैं, तो कई सालों से कर रहे हैं ऐसा उनका कहना है। आज वो दो लड़के उनको वहां सेकली गांव में मिले और बोले कि तू यहां धंधा नहीं करेगा, तू यहां से भाग। उसके बाद उसका कबाड़ा जो कुछ थोड़ा बहुत था वो गाड़ी में से गिरा दिया। और जब ये चाचा जो है अब्दुल रशीद ये वहाँ से गांव से निकला, तो इन लोगों ने पिपला धुमा फंटा है ये वहाँ उसको मोड़ पे रोक लिया पीछे से आके, और वहाँ एक दुकान के सामने खड़े होकर के और उसको हाथ पकड़ के जबरदस्ती झुमा झटकी करते हुए उससे जय श्री राम का नारा लगवाया और हाथ पर जोड़ करके वो जैसे तैसे वहाँ से इनके चंगुल से घर चला गया। घर में जाकर के कुछ लोगों को बताया उसने और अभी रिपोर्ट करने आया।